क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करें। चलिए हमें इसमें देखना होगा किसका संगत है, और संगत है तो उसके हल हमें निकालना होगा अद्वितीय हल की स्थिति में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पे हमें मान लेना होगा, माना ए बराबर में हमारे पास जो क्या हो जाएगा, इसके गुणांक जो होंगे 5, 2, 7, 3। एक्स बराबर में क्या लेंगे, जो चर दिए गए हैं एक्स वाई, और b बराबर में ले लेंगे 4, 5। आपको पता है कि ये समघातीय नहीं है क्योंकि बराबर में 0 नहीं दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले मैं यहाँ a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देखूंगा। तो 15 माइनस का 14 एक आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। हर एक का को फैक्टर निकालेंगे, 3 माइनस 7 8 21 माइनस 2 और a 22 5। चलिए अब एडजॉइंट ऑफ a यहाँ से आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से आ जाएगा। तो एडजॉइंट, ये तो आपको पता चल गया ना कि अद्वितीय हल होंगे इसके। इसके बाद हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए 3 माइनस 7 माइनस 2 5 का ट्रांसपोज, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 7 माइनस 2 5, यही ना आ जाएगा। चलिए अब देखो इसके बाद निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई 1 हो जाएगा क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 ही है, और एडजॉइंट ऑफ ये रहा आपका 3 माइनस 2 माइनस 7 5, यही ना है 3 माइनस 2 माइनस 7 5। चलिए अब इसके बाद x बराबर में फॉर्मूला मैंने बता रखा है a इनवर्स b। तो x का वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई है, a इनवर्स का वैल्यू यह रहा 3 माइनस 2 माइनस 7 5, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा b का वैल्यू 4, 5, यही ना दिया है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स वाई यह जो मैट्रिक्स है यह बराबर में हो जाएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, पहले रो में पहले कॉलम से, तो 4 3 12 और 5 2 10, इसमें से करते हैं तो 7 4 28 और 50 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉमा एक्स वाई जो होगा मैट्रिक्स वह किसके बराबर हो जाएगा, 2 और यहाँ पे माइनस का 3। यानी कि एक्स बराबर में यहाँ से 2 आ गया और वाई बराबर में -3 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर